नमस्कार, JNI न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का अग्रवाल। समाजवादी पार्टी का हर बूथ पर यूथ का ऐलान, जनमन विजय का अभियान, सेक्टर बूथ का गठन, वोट बढ़ाने का कार्यक्रम। राजकुमार उर्फ चिंकू यादव ने चौपाल के द्वारा जनता को संबोधित करते हुए कहा कि 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और अब की बार योगी सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान जनता से अपील करते हुए कहा। इस दौरान कमल चौधरी, विजय अग्रहारी, अकबर नेता तवाब अली, राम सूरज चौधरी, शफीक अहमद आदि लोगों के साथ भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यूरो चीफ श्रीकांत पांडे, जिला सिद्धार्थ नगर। नेताजी लगातार मेहनत कर रहे हैं आप और चौपाल के माध्यम से जनता को संदेश दे रहे हैं, क्या अपेक्षा पाते हैं जनता से? जनता आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ है जी। वो चाहे हिंदू हो और चाहे वो मुसलमान हो जी। अब की बार जनता योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की कुर्सी से उठा के पटकेगी, फिर वो गोरखपुर के मठ पे नजर आएंगे और अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश की कुर्सी पे बैठाएगी और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार। विधायक जी डुमरियागंज का कहना है कि हमारी सरकार ने जितना विकास किया है शायद अभी पिछले दिनों में किसी की सरकार ने नहीं किया, इस बात पे क्या कहें? महोदय, आप इसी भारत भारी नगर पंचायत के रहने वाले हैं जी। जितना विकास भारतीय जनता पार्टी ने भारत भारी में किया है उतना आप जानते हैं। यहाँ के जाली विधायक, जाली सांसद जगदम्बिका पाल ने भारत भारी को गोद लिया था। आप बता दीजिए कितने कामों को करने का काम उन्होंने किया भारत भारी में, लेकिन चिंकू यादव ने भारत भारी में 9 सड़क बनवाने का काम किया, तो ये लोग केवल जुमलेबाज हैं और जुमलेबाजी के नाम पे अपनी सरकार चला रहे हैं। 2022 में आपका एजेंडा क्या है? 2022 में हमारा एजेंडा जी, 2022 में हमारा एजेंडा आप जानना चाहते हो जी? ये एजेंडा जनता ने तय कर दिया है जी कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है और जनता में खुशहाली लाना है, उत्तर प्रदेश में गंगा जमुनी तहजीब को कायम करना। बहुत बहुत धन्यवाद।